पहले क्या था ना, क्रिएटिव फ्रीडम लोगों को थी नहीं, बिकॉज सेंसरशिप वॉज देयर, टीवी में वैसा कॉन्टेंट चलता नहीं था. सो वेन वेब सीरीज नया वेव आया, तो फिल्म मेकर्स वो डाइंग टू टेल स्टोरीज, जो वर्ल्ड सिनेमा देखते हैं उनके साथ कम्पीट करना चाहते हैं. हमारा ये कट जाएगा, अच्छा ये शूट भी ये करते जा रहे हैं, ये कट जाएगा, शूट करें नहीं करें. सो देखो नेवर टेल देयर स्टोरीज दे रहे, तो उनको क्रिएटिव फ्रीडम मिला डिपेंड ऑन आउट की जिनकी प्रोडक्ट जैसे निकाल लो और जैसे शूट करना है, जैसे वो माइंड में विजुलाइज किया, नो कॉम्प्रोमाइज, शूट इज लाइक. बट अब मुझे लगता है कि उनका भी पेट भर गया है कि हाँ यार हो गया, अभी व्हाट नेक्स्ट. एंड अगेन सैल्यूट टू द ऑडियंसेस, बिकॉज इफ यू डोंट लाइक सच, यू नो गंदी बात, वो सच अ सक्सेस बिकॉज पीपल लाइक इट. एंड इफ 100 अदर मेकर्स आफ्टर दैट आर मेकिंग सीरीज इज बिकॉज इट डिड सच रोरिंग बिजनेस. सो व्हेन लोगों का टेस्ट चेंज होगा, कंटेंट जो बना रहे हैं वो डिफरेंट सर्व करेंगे. सो इट इज डिमांड एंड सप्लाई. सो वंस यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग डिफरेंट कंटेंट जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं, सिर्फ कहानी है, तो वैसे ही कंटेंट और बनेगा. सो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मेरे ट्रेलर देखे एंड अर्जुन कपूर इज लुकिंग हॉट, गाने बहुत अच्छे हैं, काफी बात हो रहे हैं. मैं इतना ही बोल पाऊंगी, पूरे ट्रेलर में सोचो मुझे एक ही इंसान रजिस्टर हुआ एंड दैट वाज अर्जुन कपूर. ही इज लुकिंग सो गुड एंड आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम ही इज डन अ फिल्म. ईशा ने काफी फिल्में भी की है, पर अर्जुन बहुत टाइम के बाद मैंने पूछा है, ही डिजर्व्स अ मेंशन. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम.